नमस्कार, मैं नीतीश कुमार और आप अभी देख रहे हैं बिहारी खबर तक। मैं अभी उपस्थित हूँ सीतामढ़ी जिला के रीगा प्रखंड के सिरोली पंचायत के रमनगरा गांव में, जहां पर एक छोटे उद्योग को यहां से शुरू किया गया है, जो युवाओं का यहां पर रोजगार दिया जा रहा है। जो इस सलोनी गारमेंट्स के जो मालिक है नवीन जी, उन्होंने इससे पहले जो लुधियाना में काम करते थे और वहीं से देख करके जो आए, जो उन्होंने भी सोचा कि क्यों न अपने गाँव में ही ऐसे उद्योग खोला जाए, बेरोजगार युवा है उनको भी यहाँ पर रोज़गार मिल जाए, और उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने कहाँ से ये शुरू किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? नवीन कुमार, नमस्कार। नवीन कुमार मेरा नाम। इससे पहले मैं लुधियाना में काम कर रहे थे, तो एगो PMGP छोटा मोटा लोन लिए 3,80,000 रुपया, जिससे हमने काम करना स्टार्ट किए हैं। कर रहे हैं, इतना दिन से कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्कूल ड्रेस बनता है, शर्ट बनता है, यूनिफॉर्म बनता है, जो मिल जाए ऑर्डर मिलता है वो मैं बनाता हूँ। युवा को रोजगार देता हूँ, जो रोजगार नहीं तो सबको रोजगार दे रहे हैं। पहले 5 मशीन से स्टार्ट किए थे, 4 मशीन से पहले किराए पे रहते थे, धीरे धीरे अपना बनाए, खुद का बनाए, करते करते कुछ कमाया। फिर दिवाली में आग लग गया, पिछला दिवाली में। फिर मेरा CC वाला, तो मैं CC काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें जिला उद्योग से कोई आज तक झांकी पाने भी नहीं आता, क्या हुआ नहीं हुआ। मेरा 17-18 आदमी काम कर रहा है, आज तक कोई घूम के भी देखने ही नहीं आया क्या होता है नहीं होता है। जो पिछले साल आपके जो दिवाली में जो इस कंपनी में जो आग लगी थी, इस पर आपको सरकार से कुछ मदद मिला था? नहीं नहीं मेरा इंश्योरेंस था, ऑलरेडी इंश्योरेंस करा के रखते हैं, तो इंश्योरेंस मुझे मिला हुआ था। चलिए, इन्हीं के पत्नी हैं, उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पूनम देवी नाम हुआ, और मैं 2018 से ये उद्योग चालू किए हैं। और मेरा जो हस्बैंड थे, तो पहले लुधियाना में काम करते थे, कुछ दिन दिल्ली में काम किए, रिशा कंपनी में, गौरव कंपनी में सब काम किए। उसके बाद PMGP वाला लोन मैं लिए, उसको अप्लाई किए, उसके ट्रेनिंग भी किए, सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है मेरे को। वहाँ से जाकर मैं सेंशन करवाई सिंडिकेट बैंक से करवाया, 3,80,000 रुपये मेरा लोन हुआ। वहाँ से फिर इनको हम बुलाएं बाहर से कि यहाँ पे काम अपना स्टार्ट कीजिए, जो बेरोजगार आदमी सब है इधर उधर घूम रहे हैं लोग, मेरा भी प्रॉफिट होगा, और जो आदमी इधर उधर घूम रहा है उनको भी काम चले गए। यहाँ भी आए तो फिर काम किए हम लोग। पहले काली मशीन हम लोग रखे थे, अभी जो देखिए अभी जो की मशीन हम लोग चला रहे हैं। पहले मेरे पास काली मशीन था, 4 मशीन था, और दूसरा मशीन कोई नहीं था। जितना मेरा लोन मिला उतना से काम किए, और छोटा मोटा आगे हम लोग दरवाज़ा पर देखो दुकान बनाए, उसी में स्टार्ट किए। उसके बाद किराया हम लिए बगल में, उसके बाद किराए के बाद हम अपना खुद मशीन जैसे जैसे बढ़ाए, कारीगर बढ़ते गया, उसके बाद हम अपना खुद के बना लिए। उसके बाद मेरा दीपावली में काम अच्छा चल रहा था, सब कुछ से बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद दीपावली में मेरा थोड़ा सा लाइट ये हो गया, प्रॉब्लम से आग लग गया, उसके बाद फिर लचर गए हम। फिर मेरा बैंक से इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस वाला कुछ दिया पैसा, उसी से फिर काम बढ़ाएं कुछ ब्याज पर रुपया लेकर। अभी देखिए मेरे पास 17 मशीन है, जो कि मशीन बिल्कुल। आपके इधर जो जितने भी बेरोजगार युवा है, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? उनसे यही कहना चाहते हैं कि देखिए हम तो काम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे पास उतना अभी पूंजी के बढ़ावा नहीं हो रहा है कि यहाँ हम ज़्यादा कारीगर लोगों को काम करवाएं। लेकिन कारीगर लोग भी काम करते हैं फिर भी भाग जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को रेगुलर काम नहीं मिल पाता है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो मेरा कुछ उद्योग का आगे बढ़ाने का। अगर ऐसे ऐसे रोजगार अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र में हो जाता, आपके ये जो जितने भी बेरोजगार युवा है उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो भी हैं बाहर जो जा रहे हैं लोग, अगर यहाँ पे मेरे पास अगर उतना पूंजी अगर अच्छा हो, तो हम यहीं पे काम काहे नहीं देंगे। कोई आदमी यहाँ से बाहर नहीं जाने के नाम लेगा।